आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एडवांसमेंट और वो होती है हाउ डू वी गेट हियर। पर मैं करके रहा हूँ तो आपको पता होगा मेरी पिछली वीडियो के अंदर मेरे वर्ल्ड के अंदर एक वायरस फैल गया था, तो उसको तो मैंने सही कर दिया था, लेकिन उसको सही करते करते मेरे अंदर एक वायरस आ गया है। और इस वायरस को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को वो एडवांसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो कि मैं इस वायरस से बच जाऊं तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। अब ये एडवांसमेंट पूरी करने के लिए अपने सारे के सारे इफेक्ट्स एक ही बार में अपने ऊपर लगाने हैं, और जैसा कि आप जानते हो बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि इतने सारे इफेक्ट्स एक साथ लगाना बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक जगह ढूंढनी है जहां पे मैं एडवांसमेंट पूरी कर सकूं, और सबके सब लोग इसको है ना एंशिएंट सिटी में जाके करते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रैपनेस का इफेक्ट जल्दी मिल जाता है। पर आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं पहले ही ना वार्डन ट्रैप कर चुका अपने बेस पे। तो ये रहा देखो वार्डन जो कि अपन को इजीली डार्कनेस का इफेक्ट दे रहा है, तो मैं यहीं पर ही उस एडवांसमेंट को पूरी करूंगा। तो पहले यहां पे थोड़ी सी तोड़फोड़ करके प्रॉपर जगह बना लेते हैं एडवांसमेंट पूरी करने के लिए। यहां पे पानी तो बहुत सारा है पहले से ही, तो अपन यहां पे ना कॉन्ड्यूट की जगह तो इजीली बना लेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मैं यहां पे जाऊंगा फटाफट से भाग के यहां से ना डार्कनेस का इफेक्ट लेकर आऊंगा इससे, और यहां पहुंच के सारे और इफेक्ट्स ले लूंगा। अब पहले कॉन्ड्यूट बनाने के लिए अपन सामान निकाल लेते हैं जैसे हार्ट ऑफ द सी और नॉटिलस शेल्स, और इन सभी से अपना जाएगा कॉन्ड्यूट। अब यहाँ पे कोनो कोनो में डार्क प्रिजर्वेटिंग ब्लॉक लगाते हैं और यहाँ बीच में लगाते हैं कॉन्ड्यूट, और आप ये देखो इफेक्ट मिलने लग गया इसका भी सही। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट होगा वो होगा ग्लोइंग का, जो अपन को मिलेगा स्पेक्ट्रल एरो से। तो उसके लिए अपन यहाँ पे ये ऐसे बनाए थे डिस्पेंसर का, और देखो अब जैसे मैं इस पर टैप करूंगा देखो मैं चमकने लग जाऊंगा। ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर आउटलाइन कर दिया प्रॉपर व्हाइट पेन से। अब जो नेक्स्ट चीज लानी है मुझे इफेक्ट के लिए, वो सबसे ज्यादा हार्ड है लाने के लिए। अब उसको लाने के लिए मेरे को बहुत सारी रेल्स और पावर रेल की जरूरत पड़ेगी, तो अपन पहले वो बना लेते हैं। अब चलते हैं फटाफट से नेदर में, और नेदर से चलते हैं अपन एंड में। चलो जाते हैं अपन इसके अंदर, यहाँ से अपन को जाना एंड सिटी के ऊपर। अब रेंडर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे मैक्स कर लिया, और देखते यहाँ पे आसपास एंड सिटी कहाँ पर है, और ये बिल्कुल पास में ही अपने एंड सिटी। अब यहाँ से वहाँ तक अपन रेलवे लाइन बना लेते हैं पहले प्रॉपर, और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसको लेने जा रहे हैं अपन। मैंने यहाँ पे पूरी रेलवे लाइन तो बना ली, लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट चीज तो लाने भूल गया, बोट और माइनकार्ट। तो वापस घर जाना पड़ रहा है इनको लाने के लिए। अब स्टार्ट हो चुका अपना सबसे मुश्किल काम, मेरे को इस बोट के अंदर इस शल्कर को बिठाना है, और ये उड़ाता रहेगा मेरे को, तो मैं कहां से बिठाऊंगा इसको। फटाफट बोट में चल के बैठता हूं और उसको बिठाता हूं मैं यहाँ पे। यार अरे बैठ जा जल्दी से यार प्लीज, अरे यार इसने बोट तोड़ दी रे यार। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, इसमें बैठ जाना चाहिए प्लीज, मैं यहाँ पे बोट रखता हूं। और बैठ गया, बड़ी जल्दी बैठ गया इस पर, तो क्या बात है। अब बस मुझे इसके नीचे के ब्लॉक तोड़ना जिससे नीचे चला जाए गिर के, और कितनी सारी इसने अपनी बुलेट्स छोड़ दी मेरे ऊपर। चलो 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 फटाफट तोड़ना 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 तोड़ना, अड़ना नहीं एक भी बुलेट के, नहीं अड़ना प्लीज, अड़ना नहीं है प्लीज, नहीं अड़। अरे यार अड़ गया फिर से यार, इस बार तो सारे के सारे तोड़ कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए इसको गिरा के रहूंगा नीचे। यार गिर के बहुत बड़े। फटाफट से इसकी बोट में बैठते हैं, उसको लेके चलते हैं अपन आगे। और ये मेरे को आवाज नहीं आ रही, मर गया कि? अबे यार मर गया ये तो अपने आप ही। अबे यार मैं भूल गया, मैंने थॉन्स वाला आर्मर पहन रखा है यार, मुझे चेंज करना पड़ेगा फटाफट से। इन दो ब्लॉक्स को तोड़ते हैं, फटाफट से नीचे चला जाएगा, और गया बिल्कुल नीचे। अब इसकी बोट तोड़ते हैं, यहीं तक ही ना मैं रेलवे लाइन ले आता हूं। चल माइनकार्ट अब तेरे ऊपर है सब कुछ, इसको बिठा के ले जा प्लीज। और ले गई देखो वो जा रही है अपनी माइनकार्ट, और ये गई अंदर। यस फटाफट से दूसरी साइड चलते हैं, उन्हें देखते हैं। और ये तो कोने में ही है, बिल्कुल गिर मत जाइयो प्लीज, रुक जाओ मैं उड़ के जाऊं पहले यहां से, भाई मेरे को मारेगा वरना। अब इसको पहले मैं यहां पे माइनकार्ट से उतार देता हूं, यहां पे रेल बनाता हूं प्रॉपर। यहां पे मेरा आधा घंटा चला गया इसके पास रेल बनाने में, क्योंकि बार बार उड़ा रहा है मेरे को। और इसकी बुलेट से बचने के लिए देखो मैं कैसे बार बार उड़ के रेल बना रहा हूं उसके पास जाके। और अभी भैया जी यहां पे स्टक हो चुके हैं, मैं क्या करूं इसको यार, कैसे लेके जाऊं। फिर मेरे को एक आइडिया है, मैं घर पे गया एक और माइनकार्ट लेकर आया, फिर उस माइनकार्ट से ना इसको धक्का दिलवाया तो आगे चला गया। अभी यहां तक पहुंच तो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, इसके अंदर नहीं जा रहा है। मैं इसको बहुत बार मार रहा हूं, मैं इसको माइनकार्ट से भी उतारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उतर नहीं रहा है। मैंने हिटबॉक्स भी ऑन कर लिया, लेकिन मेरे को फिर भी माइनकार्ट का हिटबॉक्स नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं। फिर मैं वापस एंड सिटी पे गया, वहां से एक और शल्कर लेकर आया, लेकिन ना ये भी यहीं अटक गया। मैंने सोचा बोट से चला जाएगा, लेकिन यहीं अटक गया। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा कि यहां पे बहुत सारे स्लैब्स लगाए जिससे कहीं और टेलीपोर्ट ना करे, और बीच में काम करते करते एंडरमैन इतना परेशान करता है ना, गुस्सा आता है ना, मरेंगे साले मेरे हाथों सबके सब। अब जैसे मैंने इसकी बोट तोड़ी, पोर्टल के ऊपर चला गया जहां पे मैं इसको भेजना चाहता था। अब मैंने यहां पे एक पिस्टन और रेडस्टोन लगा के इसको थोड़ा सा नीचे किया धक्का लगा के, और इसको नीचे करते करते मेरी हेल्थ और मेरे फूड खत्म हो गया। मैंने सोचा टोटम यूज कर लेते जिससे अपनी वापस से ना हेल्थ फुल हो जाए। और एक टोटम का शल्कर तो मैं पूरा भर के लेके चलता हूं, तो अपन को मरने की भी टेंशन नहीं है। अब जहां पर मैं इसको चाहता था प्रॉपर उस जगह पे आ गया, तो मैंने यहां पे पिस्टन लगा के रेडस्टोन लगाया जिससे नीचे चला गया। अब मेरे को घर जाके देखना है कि वहां पर पहुंचा नहीं पहुंचा, और इन समय मेरा पूरा डेढ़ घंटा बर्बाद हुआ। मुझे देखना है जाके स्पॉन पॉइंट पे आ गया, अरे आगे 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 आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने थोड़ी इंस्टेंट हेल्थ की पोशन बनाया जिससे अपना शल्कर बॉक्स मरना जाए। फिर इस पे इंस्टेंट हेल्थ की पोशन डाल के मैं इसको ले गया अपनी जगह पे। फिर मैंने इसको नेम दिया शल्कर, इसको बंद कर दिया यहाँ पे। अब मुझे लेके आने डॉल्फिन, तो मैं वहां पे जाऊंगा जहां पे अपना वॉर्म ओशियन है। अब जहां पे मैंने इंडिया बनाया था उसके आगे मेरे को डॉल्फिन मिल गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, मैं लीड लाना भूल गया, तो मैं वापस गया लीड लेने के लिए। फिर मैं इसको नेदर से लेके गया, तो बेचारे लावा में टपक के मर गई। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ नेदर रूफ के ऊपर, वहां से इसको लेकर आऊंगा। और रास्ते में जाते जाते मेरी एलाइटर टूट गई, और मैंने देखा कि क्या हुआ ये। फिर मुझे पता पड़ा एलाइटर टूटी है। अच्छा यहाँ पे टूटी, एंड वेंड में टूटी, वरना मैं मरमरा जाता वहां। तो अब इस वाली वीडियो में मैंने 1100 एलाइटर कलेक्ट की थी, तो एक निकाल लेते इसमें से। अब चलते नेदर रूफ के ऊपर, और बस मुझे वहां पे जाके सेम कोऑर्डिनेट्स पे पोर्टल बनाना है, और ये बन गया पोर्टल भी। अब चलते हैं यहां से इसके अंदर, और देखते हैं कि परफेक्ट जगह पे कनेक्ट हुआ नहीं है। बिल्कुल जहां पे जाता था वहीं पर ही हुआ है। अब अपन चलते फटाफट से डॉल्फिन को लेने, इस बार इसको मरने नहीं दूंगा, बड़े आराम से लेके जाऊंगा इसको। चल चली जा अंदर चले, और चली गए फटाफट से इसको ना अपन बेस पे लेके जाते हैं अपने। अब इसको पहले मैं यहाँ पे ना पानी के अंदर डाल देता हूँ, वरना मरमरा जाएगी सांस के बिना। चलो अब इसको लेके चलते हैं अपन नीचे। अब मुझे चाहिए बहुत सारे पोर्शन जो इस एडवांसमेंट को पूरा करने में हेल्प करेंगे, तो अपन पहले उसके लिए सामान निकाल लेते सारे के सारा जो जो चाहिए अपन को। और सामान कलेक्ट करते मैंने स्टार्ट कर दिया सारे के सारे पोर्शन बनाना। फिर मैंने यहाँ पर आके एक बार टेस्ट किया कि डार्कनेस का इफेक्ट कितनी देर तक रहने वाला है, तो वो 13 सेकंड तक ही रहा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा और आगे कर लें अपन। अब मुझे यहाँ पे बनाना है बहुत बड़ा बीकन जिससे मैं एक साथ 6 इफेक्ट ले सकूं उससे, और इसके लिए मुझे यहाँ पे पूरा ऊपर तक छेद भी
करना पड़ेगा क्योंकि बीकन तभी काम करता है। तो करते इसको फटाफट से कंप्लीट और यहाँ पे लगाते अपन बीकन और ये चल चुके सारे के सारे फटाफट से इन सब में इफेक्ट्स दे देते अपन। अभी देखो कितने सारे एक साथ मिल रहे हैं अपन को, देखो इफेक्ट्स। तो मैंने देखा यहाँ पे कि डार्कनेस का इफेक्ट अपन को ज्यादा देर के लिए नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको तोड़कर यहाँ पे कॉन्ड्यूट वाली जगह को थोड़ा आगे कर दिया जिससे अपन को इनफाइनाइट डार्कनेस का इफेक्ट मिल जाए। अब मुझे चाहिए ब्लाइंडनेस देने वाला सस्पिशियस ट्रू, तो उसके लिए अपन को पहले अज्योर ब्लू एड चाहिए होता है, तो वो मेरे पास पहले से पड़ा है, अपन उसको निकाल लेते हैं और उसके साथ साथ ब्राउन मशरूम और रेड मशरूम भी निकाल लेते हैं और इन सबको कंबाइन करके अपना बन जाएगा ब्लाइंडनेस वाला सस्पिशियस ट्रू। और इसी के साथ साथ अपन एक निकाल लेते हैं एंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी। मैंने पोशन तो सारे बना के रख लिए लेकिन मैंने इनको स्प्लैश करना भूल गया था, अभी स्प्लैश पोशन बनाए थे अपन इनको। अरे मैं जल्दी जल्दी में विदर रोज तो लेने भूल गया, वो भी ले लेते हैं अपन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब मैं फाइनल काम करने जा रहा हूँ, मेरे को ओशियन मॉन्यूमेंट के ऊपर एक नेदर पोर्टल बनाना है जिससे मैं जल्दी आ जा सकूं। तो ये पोर्टल तो बिल्कुल बन गया परफेक्ट अपने ओशियन मॉन्यूमेंट के ऊपर। अब मुझे सब कुछ लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा, पहले मेरे को बैड ओमन लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को हीरो ऑफ द विलेज लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद वापस से बैड ओमन लेके मेरे को माइनिंग फटीक लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मेरे को अपनी एडवांसमेंट वाली जगह पे जाकर अपन को सारे के सारे पोर्शन और सब कुछ लेना पड़ेगा। तो अब करते हैं अपन इस प्लान को एग्जीक्यूट, तो उसके लिए मैं पहले जा रहा हूँ पिलेजर आउटपोस्ट के ऊपर। यहाँ तो मुझे एक भी लीडर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई लीडर। अब यहाँ पे नीचे चल के देखते शायद कोई ना कोई लीडर मिल जाए, यहाँ पे पर नहीं है यहाँ पे लीडर तो यार, और नीचे और भी एक और बहुत सारे हैं। तो नीचे मैं थोड़ा दूर जाके आता हूँ जिससे यहाँ पे वापस से रिस्पॉन हो जाए नए नए ना, अभी भी एक भी लीडर स्पॉन नहीं हुआ है यार। अरे लीडर यहाँ पे तो स्पॉन हुए लेकिन ये वाले आगे जो एक साथ आते ना हर जगह पे घूमते हुए, यहाँ पे लीडर आ गया इसको मार देता, इससे भी तो मिल जाएगा मेरे को बैड ओमन। और ये मिल गया मेरे को इससे बैड ओमन, चलते अपने रेड फार्म के ऊपर फटाफट से। अभी तो उसका 1 घंटे 40 मिनट का टाइम है तो आराम से हो जाएगा ये तो। और यहाँ तो पहुंचती स्टार्ट हो चुकी है अपनी रेड। अब मुझे यहाँ पे बस 20 से 30 सेकंड मारना है और अपने आप मुझे ना हीरो ऑफ द विलेज मिल जाएगा। और इसको मारते मारते अपन को हीरो ऑफ द विलेज मिल गया जो कि अपन को 40 मिनट के लिए मिला है। हमें वापस से आ गए प्लेजर आउटपोस्ट के ऊपर क्योंकि मुझे वापस से बैड ओमन चाहिए। और थोड़ी सी देर वेट करने के बाद अपना आ गया लीडर और इससे मेरे को बैड ओमन मिल गया, तो अपन को फटाफट जाना माइनिंग फटीक लेने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा तैरते जैसे अपन को माइनिंग फटीक मिल जाए, लेकिन मेरे को पता नहीं माइनिंग फटीक दे क्यों नहीं रहा, इतनी देर से मैं तैर रहा हूँ यहाँ पे। अंदर घुस के इनको मारते शायद मेरे को दे दे वो इनको देख के पिटता हुआ, जल्दी से दे दे वरना सबको मार डालूंगा बेटे। और ये मिल गया अपन को माइनिंग फटीक, अपन को फटाफट से जाना है ऊपर और मैं जाता हूँ अपने पोर्टल पे। अभी स्टार्ट हो चुका है सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट, मुझे वहां पर जाना है और वहां पे सब कुछ लगाना है। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे फटाफट से इसको करके रहूंगा अस्त में। मेरी इन्वेंट्री बड़ी हुई, फटाफट से खाली कर सारे के सारे ले पोशन ले लिए मैंने, फटाफट सारे आ गए मेरे हाथ में। चलो 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 फटाफट मेरे को डार्कनेस का इफेक्ट लेके आना, मिल गया डार्कनेस का इफेक्ट मिल गया मेरे को। फटाफट से सारे के सारे पोशन लेने, पहले स्लो फॉलिंग का पोशन पी लेते, फटाफट से इनको छिड़क लेता अपने ऊपर। अब जल्दी से सामान ले हाथ में भाई, फटाफट से जल्दी ले। अब मुझे ना ऊपर जाके टीएनटी तोड़ने सारे के सारे। अभी मुझे फटाफट से शलकर इफेक्ट दे भाई जल्दी दे, और दे दिया मेरे को, दे दिया इफेक्ट। अब मुझे ना सबसे पहले गोल्डन एंचेंटेड एप्पल खाना है, ये खा लिया मैंने। मुझे पफर फिश खानी है, पफर फिश खाती। अरे भाई मैं क्या प्रॉब्लम हो गई, अबे शिट मेरी हंगर बार फुल है, अबे यार हक दिया मैं भाई, मेरे को हंगर बार कम करके आ रही थी, शिट यार मैं हक दिया। लो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने पूरा का पूरा मिट्टी में मिला दिया यार, अभी शलकर भी मेरे को मारे जा रहा है, छोड़ दे अब तो हो गया भाई। बट एक मिनट, मेरे पास अभी भी इफेक्ट्स तो है ना सारे के सारे पोशन वोशन के, मुझे बस डार्कनेस का इफेक्ट लेना है फटाफट से। मेरे पास माइनिंग फटीक का भी है भाई, डार्कनेस का फटाफट से इफेक्ट था, अभी मैं कर सकता हूँ शायद इसको। मेरे को शलकर का इफेक्ट लेना है, मिल गया शलकर का इफेक्ट, फटाफट से पफर फिश खाओ और स्टू भी खा ले फटाफट से यार। अब ग्लोइंग वाला इफेक्ट लेना है फटाफट से, नौशे की वजह से पर मैं दबा नहीं पा रहा इसको, बटन को दबे मिल गया मेरे को फटाफट से अपने ऊपर छिड़कना, छिड़क दिया यस मेरे को एक तो मिल गया फ्यूरस कॉकटेल। अब मेरे को ना फटाफट से विदर रोज लगा, अब भी मैं डॉट लगाना भूल गया यहाँ पे, फटाफट से डॉट ढूंढ है कि मेरे पास नहीं है यार, शिट मैं मर गया, इसमें भी नहीं है, शिट मैंने हक दिया यार पूरा का पूरा हक दिया ये वाला भी, शिट अबे यार मैंने इतना अच्छा चांस गवा दिया यार, मेरे को एक और मिला था, मेरे को आधा चांस और मिला था, वो भी मैंने यूं फेंक दिया। अब फिर से पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे टीएनटी लगा देता हूं मैं यार। पता सब कुछ बढ़िया हो गया था लेकिन बस जल्दी जल्दी में इतना गंदा हगा हूं ना क्या बताऊं। चलो और पोर्शन बना लेते क्योंकि मैं एक एक बनाया था कुछ कुछ पोर्शन, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया सेकंड अटेम्प्ट। तुम पहले ना बैड ओमन लेने के लिए पिलेजर आउटपोस्ट पे गया, फिर वहां से हीरो ऑफ द विलेज लेने के लिए गया, फिर वापस से बैड ओमन इफेक्ट लेने के लिए आया, फिर माइनिंग फटीक और डार्कनेस लेके मैं इधर आ गया। और इस बार मैंने हड़बड़ी में कुछ भी नहीं किया, मैं आराम आराम से कर रहा था क्योंकि टाइम होता है अपने पास आराम से बहुत। तो मैंने सारे के सारे स्प्लैश पोशन अपने ऊपर डाले और पानी में कूद के मैंने पहले गोल्डन एंचेंटेड एप्पल खाया, फिर मैंने सारे के सारे टीएनटी तोड़े यहां से, अभी फटाफट से अपन को इफेक्ट दे दे और इसने दे दिया बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी इफेक्ट दे दिया, पावर फिश खाते बहुत बढ़िया, अपन को सही मिल गया सब कुछ। अब वो से एक्सपेक्टरल एरो मारते अपने ऊपर और पड़ गई ये भी, अब फटाफट से स्टू खा ले भाई, स्टू खा ले फटाफट से, और यहां पे विदर रोल से हो गया पक्का हो गया ना, अबे हाँ हो गया यार, मैंने कैसे करके कर लिया इसको, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैंने कैसे किया, इतनी मेहनत लगा के कर, पर यार मजा आ गया, मैंने पता नहीं क्या क्या करके किया है भाई, मजा आ गया मेरे को, तो ऐसी खुशी हो रही है मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा ढंग से। चलो वार्डन और मार रहा था पीछे से मेरे को, बस कैसे करके बच के कर लिया भाई इसको मैंने। दोस्तों फाइनली अपना एडवांसमेंट पूरा हो चुका है जो कि बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही नहीं इसके साथ एक और हो गया था जो कि फ्यूरियस कॉकटेल, और अपने दो एडवांसमेंट इतने हार्ड हो चुके हैं एक साथ, मजा आ गया भाई। और अब इनकी वजह से मेरी बॉडी में जो वायरस फैला था वो भी क्योर हो जाएगा, और जो मेरे वर्ल्ड में वायरस फैला था उसको मैंने कैसे क्योर किया और कैसे हुआ था वो आप इस वीडियो में जाके आराम से देख सकते हो।